तो आज हम लोग क्लास 11 का पाठ समुच्चय की प्रश्नावली 1.2 का अभ्यास करेंगे। तो देखिए, इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। देखिए, इसमें पहला लिखा हुआ है, पहला लिखा है इसमें दो से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो देखिए, प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? विषम प्राकृतिक संख्या। तो विषम प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं होती हैं जो दो से विभाजित नहीं होती, मतलब 1, 3, 5, 7, 9 इस प्रकार। और ये कोई भी संख्या दो से विभाजित नहीं होती, तो लिखेंगे विषम प्राकृतिक संख्याएं दो से भाज्य नहीं होती, ठीक ना। तो इसलिए इसका कोई भी अवयव प्राप्त नहीं होगा, तो ये रिक्त समुच्चय होगा। अतः यह रिक्त समुच्चय है। दूसरा भाग देखते हैं, सम अभाज संख्याओं का समुच्चय। तो देखिए, सम अभाज संख्या कौन समुच्चय बनाते हैं? इसका सम अभाज संख्याओं, सम अभाज, देखिए इसमें होगा ये दो एक अवयव है, ठीक ना। दो एक ऐसी संख्या है जो अभाज है, और अभाज होने के साथ ही ये सम संख्या भी है, है ना। ये दो से पूरी तरह विभाजित है, तो यहां अतः यह रिक्त समुच्चय नहीं है, क्योंकि इसका एक अवयव है, रिक्त समुच्चय नहीं है। तीसरा भाग देखते हैं, यक्ष इस प्रकार है कि यक्ष एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक ना। प्राकृतिक संख्या जो यक्ष से 5 से छोटी होनी चाहिए, ठीक ना। 5 से छोटी का मतलब ये 4 हो सकती है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, ये सब हो सकता है, ठीक। इसके बाद फिर लिखा है, और साथ ही यक्ष 7 से बड़ा भी होना चाहिए। 7 से बड़ा मतलब 8, 9, 10। देखिए, ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो 5 से छोटी हो और 7 से बड़ी हो, ठीक ना। तो इस प्रकार यह एक रिक्त समुच्चय होगा। यक्ष छोटा हो 5 एवं यक्ष बड़ा है 7 में ऐसी कोई प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। अतः यह रिक्त समुच्चय है। चौथा भाग में है, y इस प्रकार है कि y किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। तो हमको मालूम है, देखिए समांतर रेखाएं ये होती हैं, ये रही, और ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। इसका मतलब ये रेखाएं कहीं भी आपस में प्रतिच्छेद नहीं कर रही हैं, और अगर कोई भी रेखा अगर आपस में प्रतिच्छेद नहीं कर रही हैं, तो कोई भी इनका एक उभयनिष्ठ बिंदु प्राप्त नहीं होगा। तो यहाँ लिख लेते हैं, चूंकि समांतर रेखाओं का कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता, ये प्रतिच्छेद कहीं नहीं करती, इसलिए इसका उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता है, तो हमको कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं मिलेगा। तो लिखेंगे अतः यह एक रिक्त समुच्चय है। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 1 के सभी भाग हो गए। अब प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 में है, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित है
और कौन अपरिमित है। पहला लिखा है वर्ष के महीनों का समुच्चय, तो वर्ष के महीनों में जितने भी महीने 12 महीने होते हैं और 12 ये परिमित समुच्चय होते हैं ना, इनमें मतलब इस प्रकार महीनों का संख्या निश्चित होती है, इसलिए यह एक परिमित समुच्चय है, परिमित समुच्चय है, ठीक ना। लिखेंगे वर्ष में 12 महीने होते हैं जो परिमित हैं, परिमित या निश्चित होते हैं, निश्चित हैं, ठीक ना, इनकी संख्या निश्चित है, जिनको हम गिना जा सकते हैं, इसलिए अतः ये परिमित समुच्चय होगा। दूसरा देखते हैं 1, 3, 5, देखिए इसमें लिखा है ये समुच्चय बना हुआ है 1, 2, 3, ये इस प्रकार, तो ये है प्राकृतिक संख्या, ठीक ना, ये प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। तो इसमें देखिए अनंत अवयव हैं, ठीक ना, मतलब इनमें अवयवों की संख्या, चूंकि प्राकृतिक संख्याएं अनंत होती हैं या अपरिमित होती हैं या अनिश्चित होती हैं, ठीक ना, इनमें से आप जो भी लिख लीजिए, होती हैं, तो इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, ये अपरिमित होगा, अतः यह अपरिमित समुच्चय है। तीसरा भाग में है, देखिए इसमें जो लिखा है उसको हम लिख लेते हैं 1, 2, 3, 99, 100, ठीक ना, तो इसमें देखिए अवयव क्या है, ये प्राकृतिक संख्याएं हैं जो 1 से लेकर 100 तक हैं, तो इनमें अवयवों की संख्या देखिए निश्चित है, 100 अवयव हैं इसमें, चूंकि यहां अवयवों की संख्या निश्चित है, ठीक ना, या यहां प्रथम 100 प्राकृत संख्याएं हैं, ठीक ना, जो परिमित हैं, अतः यह परिमित समुच्चय है, परिमित समुच्चय है। चौथा भाग में है 10 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय, तो 100 से बड़े, ठीक ना, तो 100 से बड़े धन पूर्णांक कौन से हो जाएंगे, देखिए 100 के बाद 101, 102, 103, इस प्रकार ये अनंत तक होगा, तो इसमें देखिए अवयवों की संख्या अनिश्चित हो गई या अपरिमित हो गई, यहां अवयवों की संख्या अनिश्चित या अपरिमित हैं, ठीक ना, या अनिश्चित हैं, अतः यह एक अपरिमित समुच्चय है। अंतिम भाग है 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक का समुच्चय, तो 99 से छोटे, तो देखिए इसमें अभाज्य संख्या प्रारंभ 2 से होता है, ठीक ना,
और बोल रहा है 99 से छोटा, तो इतना निश्चित है कि 99 से अगर आप कम जाएंगे, छोटे में जाएंगे, तो आप दो पर आके रुक जाएंगे। मतलब इसमें जितने भी अवयव हों, इसको हमको जरूरत नहीं है कि सभी आभास संख्या कौन कौन से हैं, उससे आपको मतलब नहीं है। हमको इसमें देखना है कि जो समुच्चय हमको दिया है इसमें अवयवों की संख्या निश्चित है अथवा नहीं। तो हम 99 से नीचे की तरफ चलेंगे तो हमको यहाँ पर 97 मिलेगा, ठीक ना। इस प्रकार अंत में जाकर हमको यहाँ पे दो मिलेगा। तो अगर हम इसमें अवयवों की संख्या हम गिन सकते हैं, ठीक ना, एक से लेकर 100 तक की संख्याओं में कुल 25 आभास संख्याएं प्राप्त होती हैं, ठीक ना। तो इसमें अवयवों की संख्या हमको निश्चित है, तो यहाँ लिखेंगे यहाँ अवयवों की संख्या परिमित है, परिमित है या निश्चित है, या हम इनके अवयवों को गिन सकते हैं, अतः यह परिमित समुच्चय है, परिमित समुच्चय है। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर दो के सभी भाग हो गए। अब प्रश्न नंबर तीन देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर तीन में है, निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित होता है। प्रश्न नंबर तीन में पहला भाग है, लिखा है यक्ष अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। तो देखिए यक्ष अक्ष के समांतर, देखिए जैसे ये यक्ष अक्ष है, ये यक्ष अक्ष है, ठीक ना। तो इसके अक्ष के समांतर जितनी चाहे उतनी हम यहां रेखा खींच सकते हैं। देखिए ये खींचा, इस प्रकार हम अनंत रेखाएं खींच सकते हैं ऐसे। तो अनंत रेखाएं खींच सकते हैं, तो यहां लिख लेते हैं यक्ष अक्ष के समांतर, अक्ष के समांतर अनंत रेखाएं होती हैं या खींची जा सकती हैं, अतः यह एक अपरिमित समुच्चय है। अब दूसरा भाग में है, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। तो अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 अक्षर होते हैं जो निश्चित होते हैं या परिमित होते हैं। तो लिखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं, है ना। मतलब इनका समुच्चय जो बनेगा वो परिमित अवयवों का समुच्चय होगा, ठीक ना, उसमें अक्षर निश्चित होंगे, अतः यह एक परिमित समुच्चय है। तीसरा भाग में है, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं। देखिए 5 के गुणज का मतलब 5 का पहाड़ा में जितने भी आते हैं, ठीक ना, 5 के गुणज, 5, 10, 15, 20, 25, इस प्रकार ये अनंत तक चले जाएंगे, ठीक ना। अनंत को दिखाने के लिए 3 या 4 बिंदु पर्याप्त होता है। तो इस प्रकार इसमें अवयवों की संख्या अनिश्चित या अपरिमित हैं। तो लिखेंगे अतः यह एक अपरिमित समुच्चय है। चौथा भाग में है, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। तो देखिए पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों को हम गिन सकते हैं, ठीक ना, या इनका जब गिन के पूरा समुच्चय बना सकते हैं, तो इनमें ये अनंत जानवर नहीं होते। अनंत का मतलब जिनकी गिनती नहीं हो सकती है। तो इसलिए पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय जब बनाएंगे तो ये समुच्चय परिमित होगा, क्योंकि धरती पर जितने भी जानवर हैं उनको हम गिन सकते हैं, वो अलग बात है कि थोड़ा कठिन है। तो यह
यह एक परिमित समुच्चय है। देखिए पांचवा भाग देखते हैं, मूल बिंदु 0,0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। देखिए मूल बिंदु से, देखिए जैसे एक मूल बिंदु बना लेते हैं, ये देखिए ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु से जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। तो इस प्रकार हम यहां से जाने वाले बहुत सारे वृत्त हम बना सकते हैं। देखिए एक वृत्त ये बनाया, एक वृत्त ये बनाया, एक वृत्त ये बनाया, इस प्रकार यहां बना लिया, यहां बना लिया, यहां बना लिया। बस ये मूल बिंदु से ये जाना चाहिए हमको, ठीक ना। इस प्रकार हम यहाँ पर अनंत वृत्त ही सकते हैं, ठीक ना। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे, मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्त के वाले वृत्त अपरिमित होते हैं, अनिश्चित अनंत होते हैं, वाले वृत्त अनंत होते हैं। अतः यह एक अपरिमित समुच्चय है। देखिए सभी भाग हो गए, अब प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 में है, प्रत्येक भाग में दो दो समुच्चय दिए हुए हैं और हमको पता करना है कि क्या दोनों समुच्चय बराबर हैं या नहीं। देखिए पहला दिया हुआ इसमें ए बी सी डी और यहां दिया हुआ है डी सी बी ए। तो इसमें देखिए इस समुच्चय में ए बी सी डी, यहां भी ए बी सी डी है, मतलब दोनों समुच्चयों में समान अवयव हैं, अतः यह एक बराबर समुच्चय है, ठीक ना। चूंकि यहां लिख लेते हैं, चूंकि दोनों समुच्चयों में समान अवयव हैं, है ना, सेम एलिमेंट हैं, समान अवयव हैं, इसलिए ए बराबर ये बी है। दूसरा भाग देखते हैं, दूसरे में लिखा है ए बराबर 4, 8, 12, 16। बी समुच्चय में है 8, 4, 16, 18। तो इनमें देखेंगे, बस इसमें ए बराबर बी सिद्ध करना है कि नहीं, तो इसमें सीधे अवयव देखेंगे कि क्या दोनों में अवयव सेम है। 8, 4, 12, 16 है ना, इसमें 12 है, इसमें 12 नहीं है। तो यहाँ लिख लेते हैं, चूंकि 12 अवयव है ए का, लेकिन 12 अवयव नहीं है बी का, ठीक ना। तो इसलिए ये दोनों बराबर नहीं है हुए, क्योंकि सभी के अवयव एक दूसरे में नहीं है। तो लिखेंगे अतः ए बराबर बी नहीं है, ठीक ना, इसके बराबर नहीं है। बाकी को भी चेक करेंगे तो मैं देखिए 12 हो गया, 16 यहाँ है, इसमें 18 है, मगर यहाँ 18 नहीं है, ठीक ना। तो मतलब सभी अवयवों को नहीं लेना है, हमने एक सिद्ध कर दिया, ए 12 एक ए में है मगर 12 बी में नहीं है, तो ये दोनों मतलब बराबर नहीं है, ठीक ना। और इसको हम लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 18 अवयव है बी का, लेकिन 18 अवयव नहीं है ए का, इस प्रकार भी दोनों ए बराबर बी नहीं हुए, ठीक ना। तो थर्ड भाग देखते हैं, थर्ड में है एक पहला समुच्चय में 2, 4, 6, 8, 10 और बी में है यक्स, इस प्रकार है कि यक्स सम धन पूर्णांक और
यक्स छोटा है बराबर है 10 के। अभी निकलेगा क्या, ये हो जाएगा 2, 4, 6, 8 और ये 10। तो देखिए सेम आ गया। तो इस प्रकार ए बराबर ये बी है ना, इनमें दोनों समुच्चयों में समान अवयव हैं, अतः ये ए बराबर बी हो गया। एक अंतिम भाग है इसका, ए समुच्चय में यक्ष इस प्रकार है कि संख्या 10 का एक गुणज है। तो 10 का एक गुणज बनाएंगे तो लिखेंगे 10, 20, 30, 40 इस प्रकार, ये ठीक ना अनंत तक होगा। ठीक ना, इनमें 10 के गुणजों की संख्या अनंत होती है। इसी प्रकार बी में क्या लिखा है, तो लिखा है 10, 15, 20, 25, 30 इस प्रकार है ये। तो देखिए इसमें ना ये 15 10 का गुणज नहीं है, 25 भी 10 का गुणज नहीं होता। इस प्रकार इन दोनों में समान अवयव नहीं है, इनमें अलग अलग अवयव हैं। इसलिए या तो यहाँ लिख सकते हैं, चूंकि 15 ए में बी में है लेकिन 15 ए का अवयव नहीं है, ठीक ना, तो अतः ए बराबर ये बी नहीं है। इस प्रकार प्रश्न नंबर 4 के सभी भाग हो गए। अब प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 5 में है, क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, कारण सहित बताइए। तो देखिए पहला भाग में है ए बराबर 2, 3 है ना, दो अवयव यहाँ हैं और बी में दिया है। देखिए एक समीकरण को हल करना है, यक्ष इस प्रकार है कि यक्ष समीकरण यक्स स्क्वायर प्लस 5x + 6 बराबर 0 का एक हल है। तो हम समीकरण हल कर लेते हैं, यहाँ पर यक्स स्क्वायर प्लस 5x + 6 बराबर 0, तो इसको हल होगा तो यक्स 3x + 2x + 6 बराबर 0। यक्स कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ यक्स प्लस 3 बचा, यहाँ 2 कॉमन निकाल लेंगे तो यक्स प्लस 3 आया। यक्स प्लस 3 एक कोष्टक में, यक्स प्लस 2 एक कोष्टक में, इससे हमको यक्स का मान -3 और -2 प्राप्त हुआ। तो हम बी में अवयव क्या प्राप्त हुआ, 3, -3 और -2। देखिए इसमें अवयवों की संख्या समान नहीं है, क्योंकि दोनों समुच्चयों में अवयवों की संख्या या अवयव में अवयव समान नहीं है, है ना, एक जैसे नहीं है। ठीक ना, संख्या तो नहीं, पहले अगर देखिए संख्या तो दोनों सेम है, दो अवयव यहाँ भी है, दो अवयव यहाँ है, तो संख्या में समान है, लेकिन जो मान यहाँ 2 और 3 है और यहाँ -2 -3 है, तो दोनों अवयव समान नहीं है। ठीक ना, इसके अंदर जो अवयव हैं इसके अंदर भी वही अवयव होने चाहिए थे। इसलिए अतः इसमें क्या क्वेश्चन है, समुच्च युग्म समान नहीं है, समुच्चय युग्म समान नहीं है, ये हो गया। दूसरा भाग देखते हैं, तो दूसरे भाग में है यक्ष इस प्रकार है कि यक्ष शब्द फॉलो का एक अक्षर है ना, तो फॉलो में कौन कौन से अक्षर होते हैं वो लिख लेते हैं, FOLW, ठीक ना, ये फॉलो लिखा हुआ था FOLLOW। तो इसमें हमने पुनरावृत्ति नहीं किया है, तो F हो गया, O हो गया, डबल L का एक L लिख लिया, O पुनरावृत्ति थी इसलिए एक बार ही है, और ये W लिख लिया। और इसमें B देखते हैं, इसमें क्या है, B में है उल्फ, WOLF के अक्षरों का समुच्चय लिखना है यहाँ पर, तो हम लिख लिए WOLF। तो देखिए इन दोनों में
समान अवयव हैं। इनमें देखिए क्रम की कोई बाध्यता नहीं होती, यफ शुरू में है तो यफ अंत में है, डब्ल्यू अंत में है तो यहाँ शुरू में है, तो क्रम की कोई बाध्यता नहीं होती, बस इसमें हमको अवयव देखने की समान अवयव हैं कि नहीं। तो लिखेंगे चूंकि दोनों समुच्चयों में समान अवयव हैं अतः समुच्चय युग्म समान हैं। अब इसमें तीसरा प्रश्न नंबर 5 के दो ही भाग थे, अब प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 6 में है दिए गए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन कीजिए। इनमें से हमको देखिए 1, 2, 3, 4 8 समुच्चय दिए हुए हैं, इनमें से पता करना है कौन समुच्चय एक दूसरे के बराबर हैं। देखिए अगर इसमें चेक करें तो देखिए बी और डी को देखें तो इसमें 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 मतलब इन दोनों में अवयव समान हैं। तो यहाँ और इसमें देखें तो ये देखिए इन दोनों को देखें, यहाँ -1 और 1 है और 1 और ये -1 है, तो इन दोनों के अवयव समान हैं। लिखेंगे चूंकि यहाँ समुच्चय बी एवं डी और ई एवं जी में समान समुच्चय हैं, समान अवयव हैं अतः B बराबर D एवं E बराबर G है। तो इस प्रकार प्रश्नावली 1.2 समाप्त हो गई।